हरियाणा एट टाइम पीएम न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। खरखेदा सोनीपत मार्ग पर झरोठी टोल के पास किसानों ने एकत्रित होकर बढ़ते हुए पेट्रोल की कीमतों के विरोध में प्रदर्शन किया और मांग की कि पेट्रोल की कीमतों को वापस लिया जाए। इस मौके पर विभिन्न किसान नेता भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर संयुक्त किसान मोर्चा सदस्य अभिमन्यु कोहाड़ ने केंद्र सरकार से मांग की कि किसानों की मांग को माने और बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमतों पर लगाम लगाई जाए। किसान एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, खट्टर किसान जय किसान, जय किसान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिला ऊपर जाएगा, जिला ऊपर जाएगा, जय किसान, जय किसान जिंदाबाद, जिंदाबाद हमारी का भाईचारा जिंदाबाद, छत्तीस बिरादरी का भाईचारा जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर भाईचारा जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद। कार्यक्रम ये है, ये कार्यक्रम संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पे हो रहा है और सभी किसान संगठन मिलजुल के साझे बैनर संयुक्त किसान मोर्चा के नीचे कार्यक्रम कर भी रहे हैं। कार्यक्रम ये है कि जो 2014 से पहले जो प्रधानमंत्री मोदी कहते थे कि भाई बहुत हुई पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार, उस मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद पूरे देश का, पूरे देश की जनता का तेल निकाल दिया और आज पूरे देश पर उस चीज की मार पड़ रही है। 2014 से पहले 1 लीटर पेट्रोल डीजल पर 22 रुपए टैक्स लिया करती सरकार, आज 1 लीटर पेट्रोल डीजल पर 52 रुपए का टैक्स सरकार द्वारा लिया जा रहा है। अभी खुद कुछ दिन पहले सरकार के ही मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा के अंदर ये बात कही कि पिछले 10 महीने में, मात्र 10 महीने में पेट्रोल डीजल पर टैक्स लेकर सरकार ने 2,94,000 करोड़ रुपए की कमाई करने का काम किया है। जब MSP गारंटी कानून बनाने की बात आती है जिसके लिए मात्र 2,00,000 करोड़ रुपए सालाना चाहिए तो सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन ये 2,94,000 करोड़ का डाका जो देश की आम जनता की जेब में सरकार ने, मोदी सरकार ने मारा है, देश की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी और मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया जाओगा। ये किसान मोर्चे के आह्वान पर आज जो किसान डीजल की मार से, पेट्रोल की मार से जो परेशान है, अपना रोष प्रकट कर रहा है किसान। और मैं तो ये बात कहता हूँ, किसान ये आखिर में सरकार कहता आँख खोले, नहीं तो अधिकार मांगने से छीनने छीने जाते हैं। ये जनता जनार्दन है, ये अधिकार अपने छीन लेगी। पेट्रोल डीजल के दाम कह के नहीं कम करवाओ, ये सरकार अपने आप कम करने पड़ेंगे। जो पिछली सरकार थी वो तो निकम्मे थे और इस निकम्मे तो कोई भी सरकार नहीं आई। मैं ये कहना चाहूँ, जब तो स्मृति ईरानी सिलेंडर सिर पर रख के सड़कों में घूमती थी, अब वो स्मृति ईरानी कहाँ गई? 300 का सिलेंडर 850 रुपए का पहुंच चुका है और जब 40 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल था, अब 100 रुपए पार कर चुका है। और तो मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आप हम सभी मिलकर इस एकजुट होकर लड़ते रहेंगे तो ना हम इस आंदोलन को जरूर जीतेंगे। ठीक है, आप आंदोलन जीतने के पगार पा चुके हैं, हम ना इसलिए एकता दिखाने का टाइम आ चुका है। जो कितनी कितनी डीजल की मार और पेट्रोल की मार, तो किसान बगे रखे उसका बदला जब उतरेगा जो हम भी जरीर का फिर। मैं दोबारा एक बार फिर भाइयों से कहना चाहता हूँ, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। वो सरकार के नाम का डेवलपमेंट का नाम कर रहे हैं, वो वही कम है, वही निगम तो लेने लिए सरकार से हमें तो योजना निकाली है। और इनका कोई मोटिव नहीं है कि हमें हर व्यक्ति को रजिस्ट्री दे दें करा दी, वो हर किसी साल में क्यों है नहर जड़े एक महीना अगर टूट पास नहरा लेना, साल साल हो जाए, छह महीने हो जाए नहर नहीं दिखती, तो 100 रुपये एक किले की गाय चल ला रही तो वो गाय बंद होगी तो अपने आप मेरा काट देगा। जो बिजली बिल आ गई थी, जो हम बताओ डेवलपमेंट चार की उसमें लेंगे भी, स्वामित्व तो योजना पूरे हरियाणा में लागू होने वाली है, कभी भी ये घोषित हो सकता है कि भी किसी भी गांव के अंदर कोई भी लाल डोरा नहीं होगा। तो इस वही सबसे बढ़िया, इसी के साथ मांग रहे देश वाले भैया जी रोना साझे बात है। आप घूट बो हाँ, जो तेल इतना महंगा कर दिया, डीजल तक आप लगा ही नहीं सकते, एक पेटा नहीं लग लिया धान का अपना दवाई अड़े का उम्रस्ते में देखे जी भाई के लाग रहे हैं, वो मेरे घर में सारे के सूखे पड़े हैं बीमारी के, महंगाई जो तेल इतना महंगा कर दिया। दूसरी एक समस्या हमारी और भी है, पतंजन भाई थी
मारे पानी ना रही हम छोटे थे जब पीसी की धंधा चले अर्थी कच्ची नहर होया करती डांगर लुटाया करते मारा पानी कित गया या एक खोबड़ू नहर होया करती बड़ी इसमें दिल्ली सप्लाई की थी या जो हैदरपुर प्लांट में जाया करती या एक रोड वाली नहर बोल रहे जिसने कि पीछे तो वहां एक नहर है उसमें थे उसके पहले ले उससे भी ज्यादा कैपेसिटी में हेलमेटेड से उस कैपेसिटी के बाद नहर और काट दी पीछे हुआ है नहर ये किया गुड़गा में आड़ी आड़े काट दी पीछे हुआ एक नहर एक मारे काम के सारे गौड़े के काट दी इससे बड़ी पीछे हुआ एक नहर भाई हमने पानी कितने मिलने का बिजली ये दे रहे ना तेल इतना महंगा कर दिया काम पर जाना तो भाई थोड़ा ऐसा करो अभी मन्नू भाई मेरी प्रार्थना है कुछ तो नाक दबाओ सरकार का। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।